मैं आपका अपना हरी शोकंद और आपके अपने YouTube चैनल लोकेशन व्लॉग के पर एक नए वीडियो नए व्लॉग के साथ फिर से स्वागत करता हूँ। ले भाई आज आए हैं डोल म्यूजियम में जी। ले भाई अभी आ चुके हैं डोल म्यूजियम में और जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये पत्थरों से बनाए हुए हैं छोटी छोटी डोल्स और कितने प्यारे बनाए हुए हैं ये हिरण वगैरह मंकी वगैरह सब कुछ बनाए हुए हैं ये पत्थरों से बनाए हुए हैं। और अभी हम अंदर जा रहे हैं डोल म्यूजियम के ये भाई चल पड़े हैं ये भाई हम जा रहे हैं अभी डोल म्यूजियम की तरफ। तो सत्य भाई फिर से पहाड़ों वाली शिलिंग में आ गए हैं चारों तरफ। ले भाई ये भाई आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है और ये तो फिर भी थोड़ा यहाँ फर्क है क्योंकि थोड़ा गिल्ला वगैरह भी है तो पहाड़ों में तो कम लग रही है। और अभी एंट्री गेट पे आ गए हैं और यहाँ ले भाई भीड़ आती जा रही है अंदर से और देखो बाहर आने वालों का तांता लगा हुआ है पूरी एक लाइन है और अंदर जाने के लिए सब वेट कर रहे हैं। अभी हम अंदर जाएंगे तो ले भाई हो चुके हैं अभी अंदर जाने वाले की स्टार्ट एंट्री। ले भाई एंट्री हो चुकी है हमारी तो अभी देखो ऊपर जा रहे हैं तो एक बार यहाँ देख लेते हैं क्या है। यहाँ कुछ नहीं है तो अभी हम फिलहाल ऊपर जा रहे हैं ऊपर की तरफ जाते हुए। ले भाई आ चुके हैं डोल म्यूजियम की तरह है भाई ये वर्कशॉप। देखो भाई ले भाई जबरदस्त है ये डोल म्यूजियम के अंदर यहाँ जबरदस्त यहाँ इस साइड में जबरदस्त चला हुआ है झरना और ऊपर महादेव की मूर्ति बनाई हुई है पहाड़ों में दिखाई दे रहा होगा आपको ये आ गया भाई। यहाँ भाई पानी के अंदर जाना शक नहीं आया तो देखिए ये पहरेदार खड़े हुए हैं डंडी लेके झरना देख सको कितना जबरदस्त चला हो रही यहाँ कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है एक नंबर की एकदम ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ आगे रात मिली है भाई हमारे वाले अहमदाज की मम्मी ये लोग घूमते हुए ये डोल म्यूजियम के अंदर का वो नज़ारा है देख सकते हो भाई काफ़ी अच्छा बना हुआ है भाई। नीचे महादेव बैठे हुए हैं ऊपर से झरना गिर रहा है चलिए अब आगे चलते हैं। आई अभी डोल म्यूजियम में आगे बढ़ते हुए आगे क्या कुछ है जाते हैं हम देखने के लिए। और ये बहुत अच्छा काम क्या हुआ भाई यहाँ जाल वगैरह लगा रखे हैं ताकि हमारे उस जैसे कोई बच्चा आए तो गिर ना जाए इसलिए काफ़ी अच्छा काम किया हुआ। तो और ये ऊपर का नज़ारा है भाई ये ऊपर है आगे से यहाँ
से नज़ारा ये है डबल म्यूजियम। तो अभी जा रहे हैं ऊपर की दूसरी तरफ, ले भाई फिर से आ गया हम इस साइड में, ले ऊपर से यहाँ वह छोटा सा झरना और आते हुए ये हमारा कुछ निर्माण है भाई। ले भाई इधर नेक साथ साथ में जो नहर बहती है और फिर अभी ऊपर से पानी बहते हुए और हम जा रहे हैं इस साइड, देखते हैं क्या है वहाँ। लगता है ऊपर देखो भाई कितना पेड़ के ऊपर ये बनाया हुआ है रास्ता। दे भाई फिर से आगे एक नए रास्ते से नई गलियों से गुजरते हुए, ले भाई बाकी डोल तो वहीं थी और यहाँ तो इतनी मिली नहीं आई, बस महादेव की वो थी। तो अभी देखते हैं आगे कुछ मिलता है या नहीं मिलता। ले भाई ये देखो चिड़िया वगैरह के लिए अंडे देने के लिए बनाए हुए हैं घोंसले पहाड़ों में। ले भाई आ गए हैं हम म्यूजियम की तरफ, लगता है यहाँ मिलेंगी हमें डोल। तो सामने है देखते भाई यहाँ क्या है, आ जा जी। ले भाई आ गया डोल गार्डन, देखो भाई यहाँ लगे हुए हैं पुतले, देखो ये योग वगैरह करते हुए कितना अच्छा वो है, सारे तरह हर तरह के योग देखो भाई जबरदस्त है। सारे योग बताए गए हैं, एक ये सिपाही खड़ा कर रखा है। ले भाई बच्चों के लिए झूलने के लिए और पहले ही कब्जा हो जाता है यहाँ जाने से पहले ही। आ जा इस साइड चलेंगे, आ जा आ जा। ले भाई झूल लेते हैं अभी, पिंक मिल गई। ले भाई शुभम को मिल गया झूलने का। बच्चों के झूलने के लिए देखो गार्डन में कितने जबरदस्त रस बना हुआ है, कितने झूले लगे हुए कितने सारे वहां तक, चारों तरफ आपको झूले ही झूले मिलेंगे। ले भाई और भाई ये जैसे आपको पता है डोल गार्डन है और यहाँ पे फिर आ गई है लेडी चाय के बारे। दूर तक है ना चारों तरफ झूले ही झूले हैं, लोग कितने झूले झूले, सब बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं लोटो। बच्चों के लिए बेस्ट प्लेस है भाई। शुभम दक्षी ने अपना झूला कब्जा कर लिया है तो अभी वो जाएंगे वहाँ पे, हम भी जा रहे हैं। ले भाई ये आगे ये झूल रहे हैं अपने वाले, ऊपर आ गया था। ले भाई ले भाई एंजॉय करते हुए सामने देखो थोड़ा गिर दिया, साइड झूल रहे उसकी मम्मी उस साइड जा रही है। ले भाई एंजॉय
बस देख सावन सावन देख अंदर का नजारा झूलों के डोल गार्डन का डोल म्यूजियम देख सको दीवारा पर कितनी सुंदर सुंदर कारीगरी करी हुई है और ये फवारा चल रहा है और ऊपर भी देखो कितना सुंदर नज़ारा बनाया हुआ है। ये घोड़ों के चित्र बनाए हुए हैं पत्थरों से पेट ले भाई ये है ना तो ध्यान से देखने से पता लगता है पत्थरों की है ना जो यूज में नहीं होते पत्थरों की बनाई हुई है। ये अंदर का ये अभी के लिए बंद है ले भाई देखो ऊपर पत्थरों की वेस्टेज है कितनी अच्छी अच्छी कलाकारी बना के कर ये पेड़ ये पत्थर के हैं या वैसे हैं पत्थर के हैं मेरे ख्याल में देख पत्थर के हैं देखिए रहा सरिया रहा ये पत्थर के पेड़ बनाए हुए हैं भाई देख कितने सुंदर सुंदर हैं और कुछ है ऊपर बैठ कर ये फॉरनर वगैरह भी आए हुए हैं यहाँ पे देख सकते हो गोरे के बच्चे को इंचिंग हो गई है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा ना हुआ इनको इतनी गर्मी में रहना पसंद नहीं है। और ये देख सकते हो भाई यहाँ वैसे तो ये डोल वगैरह ये भाई ले भाई ये आ गया डोल म्यूजियम ले भाई जबरदस्त हम तो इसी की तलाश में थे भाई ले अभी ठंडक मिली है कितना अच्छा अच्छा व्यू है यहाँ पे डोल म्यूजियम का ले भाई देख सकते हैं ले बहुत जबरदस्त है इतनी प्यारी प्यारी डॉल है ले भाई ले हेलो ले ले भाई देख रहे कि ऐसे लग रहा जैसे हमें पास में वैसे बैठे हुए हैं और मान पुरानी वेशभूषा में पहने हुए हैं बाबा नहीं है वैसे डोल है डोल ले भाई ये वो बाजार यहाँ पे चुड़ियों का बाजार है और बात भिक्षा मांगते हुए नो ले भाई ये सुबह इसी के हवा लेते हुए कितना सुंदर म्यूजियम बना हुआ है ले भाई डोल वगैरह चरखा वगैरह चलाते हुए आगे और ये दूध निकालते हुए ले भाई चित्रकारी ले आ चुका है ये कुआं ऊपर चढ़ना मना है और कुएं से पानी निकालते हुए ले भाई जबरदस्त और ये बाराती ढोल बाजा वाले बारात निकालते ऊपर दूल्हा बैठा हुआ है
रहे हैं भाई, जबरदस्त सिस्टम है। ढोल म्यूजियम के अंदर का नज़ारा भाई ये सारा। और ये देखो भाई साधु संत भक्ति करते हुए, ये कोल्लू पे बैल डालते हुए, ये गोबर का वो ले भाई जो है, ये कोल्लू पे बैल ये वाला बैल नहीं, ये पीछे है किसान। और ये मंडी वगैरह दौड़ते हुए, ये हमारे ओनर बापू के तीन बंदर ले भाई। ये डॉल म्यूजियम, ये एग्जिट आ चुका है यहाँ का जी। ये था भाई हमारा आज का डॉल म्यूजियम का ब्लॉग, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद आप सबको।